Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna and this lecture is about cultural geography. Cultural geography आपका topic है, geography optional में, और आपको यहाँ पर जो optional के लिए classroom students हैं, online classroom, उनके लिए यहाँ available होगा, और general studies optional test series के लिए यहाँ available होगा. अगर हम सिलेबस मैपिंग करें टॉपिक की, तो पेपर वन में पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेजेस रिलीजन और सेकुलराइजेशन के साथ में ग्रुप किया हुआ है, प्लस कल्चरल रीजन. तो लैंग्वेज और कल्चर एक साथ ही पढ़ने होते हैं, इनफैक्ट कल्चर का पार्ट है लैंग्वेज. देन पेपर टू में कल्चरल सेटिंग में लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज, इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्लस कल्चरल रीजन ऑफ इंडिया में भी पढ़ना होता है. जो इंडिया के कल्चरल रीजन है वो लैंग्वेज के बेस पर हो सकते हैं, रिलीजन के बेस पर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के रीजन्स हो सकते हैं, रेशियल रीजन हो सकते हैं, कस्टम के बेस पर भी रीजन बनाए गए हैं इंडिया में. देन अगर हम लैंग्वेज सर्च करें, देखो कल्चरल ज्योग्राफी है जैसे मैंने आपको बोला, एज सच कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जो हमने ये सिलेबस रीस्ट्रक्चर किया है, तो पेपर वन में पर्सपेक्टिव और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. तो इससे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या आए हुए हैं. ऑलरेडी इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, तो जो बची कुची बात है उस इस लेक्चर को देखने के बाद आप कर सकते हो डेफिनेटली. सी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है. यू कैन सी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक फैमिली, देन फैमिली की डिटेल दी हुई है उसमें क्या है, देन लिंग्विस्टिक रीजन टेबल बनाई है, देन मेजर लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में कुछ कुछ बताया. बट बिलीव मी, ये सब चीज़ें, दोज थिंग्स आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. पढ़ना है पढ़ लो, जानने के लिए आपको पता है तो अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम में इनका कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे आप. एग्ज़ाम के लिए इस टाइप के मैप्स बनाने सीख लो. ये 16 पेज का जो PDF है, इसमें पूरे पॉपुलेशन के मैंने मैप बनाए हुए हैं. तो यहाँ क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ दो दो तीन तीन पॉइंट लिख लो, इससे ज़्यादा कहाँ ले जाओगे एग्ज़ाम में. एक मैप बना लो, सी दिस मैप इज़ नॉट प्रिंटेड मैप, दिस मैप इज़ हैंडमेड मैप. तो आपको देखने में भी समझ ही आ रहा होगा, दिस इज़ सो परफेक्ट मैप. आप देखो कैसे मैप मेरे लगभग सेम डायमेंशन के मैप बनते हैं इंडिया का, चाहे ये मैप हो, चाहे ये मैप हो, चाहे ये मैप हो, ऑल दी मैप्स. सो आई विल टीच यू कि मतलब ये अच्छे मैप कैसे बनाने हैं. आप देखो लगभग सेम टाइप के मैप्स ही बने हुए हैं, सेम डायमेंशन. वन एवर आई वॉज मेकिंग मैप्स इन एग्ज़ाम इन पेपर टू, तो मीन आई हैड दिस मच आइडिया कि अगर ये कॉपी का साइज़ है, दिस वन इज़ अ साइज ऑफ कॉपी, तो आई वॉज मेकिंग मैप ऑफ दिस डायमेंशन कि 9.5 cm उसकी विड्थ होनी चाहिए, 10.5 cm उसकी हाइट होनी चाहिए. तो ये जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से आपके मैप बनेंगे, लाइक आपने प्रैक्टिस की हुई हो. तो आप इस एक पेज पर कमांड कर लो, बाकी ठीक है. इसमें इस पेज के अलावा जो भी कंटेंट लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन ये सब अपनी जगह और वो एक पेज का कंटेंट अपनी जगह. यहाँ से आपको जो एक दो पेजेस ठीक ठाक लग जाए वो उठा के आप उनकी एक दो लाइंस जो आपको ठीक ठाक लग जाए वो उठा के वहाँ रट लेना, लिख लेना, ठीक. तो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक कल्चरल रीजन, कल्चरल रीजन का पार्ट है लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक रीजंस. तो पढ़ना है तो इसको, इंडिया मल्टी एथनिक मल्टी लिंगुअल मल्टी रिलीजियस कंट्री है. इसको आप इंट्रो या पैराग्राफ में, इनफैक्ट GS VS में लिख सकते हो, ठीक है. इंटरमिंगलिंग ऑफ सक्सेसिव वेव ऑफ इमिग्रेंट्स लगातार आते रहे, आपने देखा होगा मौर्यन के बाद, पोस्ट मौर्यन में भी आए, इवन उससे पहले भी आए थे, ग्रीक बहुत पहले आ गए थे. तो हुआ इंडिया में क्या, बहुत सारे रेशियल और एथनिक ग्रुप हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है. नाउ देर आर सम डेटा. अब देखो इंडिया के जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंसस ऑफ 1961 है, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये भी गवर्नमेंट का, इन्होंने कहा 187 लैंग्वेज, इन्होंने कहा 1100 लैंग्वेज है. रटना हो तो ऐसे रट लो कि सेंसस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अप्रोक्स 200 लैंग्वेज हैं इंडिया में. ऑफ दीज अप्रोक्स 100 लैंग्वेज बोलने वाले ऐसे लोग हैं, 10,000 से भी कम उनका नंबर है. भाषा रिसर्च का रटना है तो ये रट लो कि अराउंड 1100 लैंग्वेज थी और 220 के आसपास डिसअपियर हो गई पिछले 50-60 साल में, ठीक. तो ये पॉइंट डिसअपियर वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन GS में और ऑप्शनल में लगातार पूछता है, ठीक. जो लॉस्ट लैंग्वेज है, हमने पढ़ा ही था कि लैंग्वेज कैसे लॉस होती है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज में जब पढ़ा था, देन वी स्टडीड कि माइग्रेशन एक फैक्टर है, कॉलोनाइजेशन एक फैक्टर है, लिंग्विस्टिक कॉन्क्वेस्ट एक फैक्टर है, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक फैक्टर है, प्रॉस्पेरिटी जब इंसान के पास बढ़ती जाती है तो भी लोकल लैंग्वेज छोड़ता जाता है. तो जो लोकल लैंग्वेज लॉस होती जा रही है, नॉर्मली नोमाड्स या खानबदोश बोलते हैं. अब इस लाइन को रटने की कोई नीड नहीं है एट प्रेजेंट, दे रहा क्या करोगे अगला, इतना डेटा रट गया, ठीक है, हैं तो हैं, ठीक. अब नेक्स्ट भी डेटा ये फालतू है, बट क्या करो, पढ़ लो.
15 मेजर लैंग्वेज आर स्पोकन बाई ओवर, अब 92 है तो 90 कर दो ना इसको। मतलब आपके लिए मैं डेलिब्रेटली ये चीज़ यहीं सामने सामने सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ही ले जा पाओगे आप। अब बिलीव मी, डेटा मैंने क्यों सिंपलीफाई कर दिया, ओवर 90 भी वही होता है जो ओवर 92 होता है। अब जब इतना बड़ा डिफरेंस आपको डेटा में दिखेगा, 187 1100, तो भगवान ही मालिक है। आप कभी भी बिलीव नहीं करोगे अभी फ़िलहाल अगर आप न्यू हो, बट जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट 9th क्लास की NCERT में और 11th क्लास की NCERT में डेटा भी अलग अलग लिखा हुआ है, बाकी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के डेटा वेटा तो छोड़ दो। देन ये आपको पता ही होगा कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर लैंग्वेजेस हैं, 22+ इंग्लिश ये मेजर लैंग्वेजेस हैं। ब्रॉड लिंग्विस्टिक रीजनल आइडेंटिटी थी जो, उसका आपने पता ही है कि क्या होता है, कि उसकी वजह से इंडियन स्टेट्स का डिमार्केशन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था 1956 में। इसकी वजह से सुपर इम्पोज जेनेटिक बाउंड्रीज बनी थी। जेनेटिक बाउंड्रीज को हम फंक्शनल बाउंड्री भी कहते हैं, या फिजिकल बाउंड्री भी कहते हैं, या फिर इनफैक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी कहते हैं। ये वही बाउंड्रीज, जेनेटिक वही होता है जो रिचार्ड हार्ट्स हॉर्ने का कॉन्सेप्ट है, HARTS HORNE, हार्ट्स हॉर्ने इन्होंने दिया था। सुपर इम्पोज ये सब चारों टाइप की बाउंड्री पढ़ेंगे जब जेनेटिक पढ़ेंगे, एंटीसीडेंट क्या होती है, सबसिक्वेंट क्या होती है, सुपर इम्पोज क्या होती है और रेलिक बाउंड्री क्या होती है। सुपर इम्पोज जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर किसी पावरफुल आउटसाइडर ने जबरदस्ती थोप दी है, इम्पोज कर दी है, प्लेस्ड बाई अ पावरफुल आउटसाइडर ऑन अ डेवलप्ड कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। और ये वाली बाउंड्री क्या है, एग्जिस्टिंग कल्चरल लैंडस्केप को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ आपको इसको पढ़ने की नीड है नहीं वैसे, इनफैक्ट इतना ज़्यादा फाइन। देन जैसे कि लैंग्वेज के जो पेपर 1 वाला लेक्चर था वो हमने डिटेल में देखा था कि हर लैंग्वेज का एक कोर और पेरिफेरी एरिया होता है, फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका तेलुगु रीजन है, तेलुगु लैंग्वेज है, तो ये आंध्रा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसको कोर बोलते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रीजन होता है। पेरीफेरी मतलब थोड़े कम स्पीकर्स हैं, इसके बाद होता है फ्रिंज एरिया, कि मतलब इक्के दुक्के लोग होते हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², ये ज्योग्राफी में डिस्टेंस डिके का रूल है। तो ये वही है कोर और पेरिफेरल एरिया, हर लैंग्वेज का अपना कोर पेरिफेरल या फ्रिंज एरिया भी हो सकता है। तो आप ये फिगर बना के इस फिगर को आप उसमें ऐड कर लेना मैप वाले पेज में। और एवरी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैज इट्स स्पेसिफिक रीजन और कोर होता ही है। जैसे केरला में 96% लगभग सभी मलयाली लोग केरला में ही रहते हैं, आसपास थोड़े बहुत कर्नाटका में, थोड़े बहुत तमिलनाडु में रहते हैं। देन आंध्र प्रदेश में अराउंड 85% तेलुगु लोग रहते हैं, बट ये इनका क्या ही कर लोगे आप, एक वो मैप इमेज बना दो जो अभी मैंने बताया था, कोर पेरिफेरी और डिस्टेंस डिके, तो ये सारे पॉइंट आपके ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, नीड ही नहीं है उनकी। द बाउंड्री ऑफ लिंग्विस्टिक रीजन इज नॉट अ डिमार्केटेड लाइन बट अ ट्रांजिशनल लाइन, ट्रांजिशनल जोन है, कोई सीमांकित लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिंग्विस्टिक रीजन इज अ रीजन, और जब आप रीज़न की डेफिनेशन पढ़ोगे तो रीज़न हैज़ नो शार्प और नो डिफाइंड बाउंड्री, रीज़न की हमेशा ट्रांजिशनल बाउंड्री होती है। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आपको कि ये कंटेंट उतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो। एक दो पॉइंट जो आपको ठीक लगे उन्हीं नोट्स में ऐड कर लेना। देन रीज़न के जो भी इशूज़ हैं वो लिंग्विस्टिक रीज़न के डेफिनेटली होंगे। ट्रांजिशन जोन वही कि एक लैंग्वेज ग्रेजुअली लॉस इट्स डोमिनेंस, तो ये ग्रेजुअली अपना डोमिनेंस लॉस कर रही है ना, ठीक। जैसे केरला में तमिल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तमिलनाडु में तेलुगु है। मैंने जो फैक्ट याद किया हुआ है वो ये वाला है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, आप इजिली गैस नहीं कर सकते हो। देन इसके बाद लिंग्विस्टिक फैमिली, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जिनका कॉमन एंसेस्ट्रल बेस होता है। एंसेस्ट्रल बेस हम ढूंढते हैं लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड से, ठीक है। अगर 4 कॉमन वर्ड आपको एक लैंग्वेज में मिले और 4 कॉमन वर्ड दूसरी लैंग्वेज में मिले और 3 यहाँ मिले, तो इनका आपका एक कॉमन लिंग्विस्टिक बेस है, उसको हम प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं, या लैंग्वेज फैमिली उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो इसको रटने के लिए आर्य द्रविड़ निषाद किराटा, ये रट लो, मैंने तो यही रटा हुआ है। आपको हिंदी में रटना है हिंदी में रट लो, इंग्लिश में रटना है इंग्लिश में रट लो, मुझे बेटर हिंदी वाला लगता है, बिकॉज ये थोड़ा सा सिंपल है रटने में और छोटा है एटलीस्ट, ठीक है। तो आर्य आप जानते हो नॉर्थ इंडियन में आर्यंस थे, इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन फैमिली होती है, द्रविड़ियन साउथ इंडिया में, साउथ के 4 स्टेट्स मेनली। ऑस्ट्रिक फैमिली निषाद, अब निषाद अगर आपको रामायण मालूम है तो वहाँ एक निषाद राज थे, उन्होंने भगवान राम को अपनी नाव में गंगा पार लगाई थी, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो, तो याद करने के लिए ऐसे याद कर लो। क्यों कहा, क्योंकि निषाद राज
सेंट्रल इंडियन छोटा नागपुर प्लेटू या सेंट्रल हाइलैंड्स के आसपास रहा करते थे, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि निषाद लैंग्वेज, निषाद फैमिली, ऑस्ट्रिक फैमिली सेंट्रल इंडियन हाईलैंड के आसपास की है। देन सिनो तिब्बतन फैमिली, सिनो मतलब होता है चाइना। देखो अगर हमें इंडिया पाकिस्तान लिखना है तो हम इंडो पाकिस्तान लिखेंगे, डेफिनेटली इंडो पाकिस्तान लिखेंगे। हमें अगर इंडिया यूएस लिखना है तो इंडो यूएस लिखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर हमें इंडो चाइना लिखना है, इंडिया चाइना लिखना है, तो हम इंडो चाइना नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे साइनो इंडिया। रीज़न क्या है कि जो इंडो चाइना है, अगर दिस इज़ योर इंडिया तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ योर इंडिया, तो ये वाला जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ, ये वाला पार्ट, दिस इज़ नोन एज साउथ ईस्ट एशिया, और इसको हम कहते हैं इंडो चाइना रीजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है और चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, तो इसको हम इंडो चाइना कहेंगे। कहीं भी आपको अगर ऐसे यूज़ करना हो, साइनो इंडिया, साइनो पाकिस्तान, साइनो यूएस, नॉर्मली साइनो लिखते हैं चाइना को। देन दुदू पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। इंडो आर्यन लैंग्वेज नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। द कोर एरिया इसका खड़ी बोली रीजन है, खड़ी बोली मतलब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला धेरापट, धेरापट वो वाला, दैट इज़ खड़ी बोली, जो बिल्कुल ही मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी है, प्योर जिसे शुद्धतम रूप में बोला जाता है, दैट इज़ इंडो आर्यन लैंग्वेज। और वो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में जाट बेल्ट हुई, या फिर जो गुर्जर्स रहते हैं, ये वाला जो रीज़न है दैट इज़ खड़ी बोली रीज़न। देन गोइंग अवे फ्रॉम द कोर, ये सभी को पता है डिफरेंट शेडो डायलेक्ट है। प्रोफेसर ए अहमद ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है डिफ्यूज़न ऑफ खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली ही लिखना है इसको, हिंदी का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। उसके ऑफशूट में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, ये आपको मैक्सिमम इनमें से आती हैं। देखो ये मैप रटना है तो यू कैन रेफर डायरेक्टली माजिद हुसैन, सी माजिद हुसैन में जो चैप्टर 13 है कल्चरल रीजन ऑफ इंडिया, ये है, दिस इज़ हाउ आई मेक नोट्स फ्रॉम इन माई बुक इट सेल्फ। तो ये है देखो जो ये वाला एरिया है, ये दिस मैप इज़ गिवन बाई प्रोफेसर ए अहमद। तो ये रटना कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। देखो मिडलैंड या हार्टलैंड आपका है ये वाला खड़ी बोली रीजन, यहाँ वेस्टर्न हिंदी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। ये हुआ मिडलैंड, ये हुआ इंटरमीडिएट बैंड, और ये हुआ आउटर बैंड, ठीक। अब देखो आपको रटने के लिए, आप यू नो एवरी थिंग, इसमें से जो आपको नहीं पता वो आप छोड़ भी सकते हो। लाइक मुझे पहाड़ी पता है कहाँ है, अवधी आपको मालूम होगी, बघेली छत्तीसगढ़ी मालूम होगी, राजस्थानी आपने सुनी होगी, पंजाबी सुनी होगी, लैंड इन जनरल मुझे याद रहती है पंजाब के आसपास या पंजाब में बोली जाती है, तो ये आपके वो इनर बैंड में। देन इंटरमीडिएट बैंड, इनर बैंड और इंटरमीडिएट बैंड के बीच में ये है। देन आउटर बैंड में इंटरमीडिएट के बाद बिहारी हो गई, गुजराती हो गई, बिहार गुजरात कश्मीर थोड़े दूर हैं तो यहाँ दूर में बना दो, असम बंगाल थोड़े और दूर हैं, उड़ीसा और दूर है, महाराष्ट्र और दूर है, तो ये बना दो। तो एज सच ये तो कहीं बना नहीं पाते हो, बट अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि इवोल्यूशन ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, पूछता है कई बार बुक से क्वेश्चन या फिगर की हेडिंग उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको इसलिए ये मैप पता होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अब कोसली, कोसल प्रदेश नहीं याद हो, अवधि तो याद रहता है ना, ठीक है। ये जो भी लिखी है मुझे आज तक पता भी नहीं क्या लिखी। कोहिस्तानी नॉर्मली पता होता है, अफगानिस्तान साइड के एरिया में कोहिस्तानी बोली जाती है, तो यू कैन मग अप दिस मैप, अदरवाइज आपका मन ना करे तो छोड़ भी सकते हो, बस इसको चाहे तो बना लेना वहीं पर, जो लैंग्वेज आपको ऑलरेडी पता है वो लिख लेना। उड़िया का मन करे तो इस बैंड के ऊपर बना देना, अदरवाइज इसको भी बाहर बना लेना, कोई इशू नहीं है। इक के बाद हम देखेंगे द्रविडियन फैमिली। तो द्रविडियन यू नो कि साउथ के चार स्टेट्स में बोली जाती है, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल। आपको पता है कौन सी कहाँ बोली जाती है, मोर देन 22% लोग इनको बोलते हैं। देन ऑस्ट्रिक फैमिली, ऑस्ट्रिक फैमिली में दो मेजर सब डिवीज़न हैं, वन सब डिवीज़न इज़ मुंडा एंड अनदर वन इज़ मोन खेमार। तो ये याद कर लो, मुंडा और इसको संताली भी कहते हैं, तो ये सेंट्रल हाईलैंड के जो ट्राइबल्स हैं वो इन जनरल बोलते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया आपके सेंट्रल हाईलैंड को बनाते हैं। देन मोन खेमर में खासी और निकोबारी आती है, खासी गारो खासी जयंतिया ही लेना मेघालय में, यहाँ पर तो गारो खासी जयंतिया, तो ये खासी और जयंतिया के आसपास खासी बोली जाती है, और निकोबारी सिर्फ निकोबार आइलैंड में बोली जाती है। मुंडा लैंग्वेज, जब हमने एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा था तो वहाँ भी मुंडा लैंग्वेज की बात की थी, कि मुंडा लैंग्वेज और द्रविड़ियन लैंग्वेज आज की जो हिंदी है,
आज की हिंदी में मुंडा के भी एलिमेंट हैं और द्रविड़ियन के भी एलिमेंट हैं, हालांकि विद टाइम मुंडा के एलिमेंट्स कम होते गए हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो मुंडा में ट्रेस किए, जैसे कॉटन के लिए कॉमन वर्ड है मुंडा में, और इसके अलावा नेविगेशन के लिए कॉमन वर्ड मुंडा में। सी, मुंडा का इन्फ्लुएंस कम वो क्यों हुआ, क्योंकि ट्राइबल्स या आदिवासी लोग बोला करते थे इसको। और लिंग्विस्ट कंक्वेस्ट में हमने पढ़ा, या फिर इवन आप यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी भी लगा सकते हो कि क्यों ये चीज़ें लॉस हो जाती हैं। डार्विन का कॉन्सेप्ट है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यूपीएससी में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है ना, इधर फ्लोरिश और पेरिश। फिट हो तभी सर्वाइव करोगे, फिट मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी, और इनफैक्ट तैयारी करने में तो होना ही चाहिए आपको। देन साइनो तिब्बतन फैमिली, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हिमालयन बेल्ट में बोली जाती है, तो जो हिमालयन बेल्ट है ये जे एंड के यहाँ भी है हिमालयस। क्या हो गया मुझे, भूल गया हूँ मैं पूरा। इस टाइप से हिमालयस बनाना, तो जो हिमालय दो पार्ट में है, जो ये वाला सिक्किम है, सिक्किम के इधर ये बोली जाती है तिब्बतो हिमालयन, और सिक्किम के इधर ये दो बोली जाती है, नॉर्थ असमी एंड अरुणाचली, और असमी म्यांमारी एंड बर्मीज। तो यहाँ एक लाइन खींच लेना, इसके ऊपर ये वाली बोली जाती है नॉर्थ असमी एंड अरुणाचली, और यहाँ पर ये बोली जाती है। तो ये हमने नेक्स्ट मैप में बनाया हुआ है, इनमें से दो चार नाम याद कर लेना करने हो तो। हिमाचल प्रदेश में चंबा है, आपको मालूम है, कन्नौरी बोली जाती है, लेपचा बोली जाती है, एक दो याद कर लो। जे एंड के में बाल्टी, भूटिया लद्दाखी तिब्बतन बोली जाती हैं, और उत्तरी असमी और अरुणाचल प्रदेश इनमें बोली जाती हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या बात है कि जो माउंटेन अगर आपने रट लिए तो माउंटेन के नाम पे आप ट्राइब भी रट सकते हो, माउंटेन के नाम पे लैंग्वेज भी रट सकते हो मेनली। तो इसको हम नेक्स्ट मैप में ही देख लेते हैं। असमी म्यांमारी ये आपका साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज ग्रुप है, हालांकि यहाँ इन्होंने सिनो तिब्बतन फैमिली में ही लिखा हुआ है। असमी में हमारी जो यहाँ पर बोली जाती है, इन जनरल काफ़ी लैंग्वेजेस आपकी साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज हैं। देन लिंग्विस्टिक रीजन इन इंडिया, देखो 12 मेजर लिंग्विस्टिक रीजन है, और उनका जो कोर एरिया है, दिस इज़ कोर दिस इज़ पेरीफेरी, तो कोर एरिया उनका उन्हीं के नाम का जो स्टेट है वहाँ पर होती है। ठीक, असमी असम में, बंगाली वेस्ट बंगाल, बंगाली में आपको रटना हो तो पार्ट ऑफ त्रिपुरा रट लेना। ठीक, गुजराती आसपास है, हिंदी उनो, कन्नड़ी उनो, सब सब कुछ पता है आपको कहाँ क्या बोली जाती है। देन मेजर लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है, हिंदी प्रिंसिपल लैंग्वेज है, 40% पॉपुलेशन बोलती, क्या करोगे इन सबका, पढ़ लेना एक बार हिंदी के बारे में, दो लाइन दी हुई है, 40% ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, 90% से ज़्यादा पीपल हिंदी इन हिंदी बेल्ट बोलते हैं। डेफिनेटली उर्दू हिंदी के बहुत क्लोज़ है। ठीक है, ये ज़्यादातर बोली जाती है जो हिंदी बेल्ट में लोग हैं वहाँ बोली जाती है, और स्पेशली अर्बन एरिया शहरी भारत में बोली जाती है। और उर्दू के बारे में क्या कहते हैं कि ये आपका वेरिएंट ऑफ हिंदी है, जो कि अरेबिक या पर्शियन में स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ना कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। जे एंड के ने उर्दू को स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, और अराउंड 8% ऑफ पॉपुलेशन की तो मदर टंग ही है, मातृभाषा है। देन बंगाली की अगर हम बात करें तो बंगाली इज़ सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कल्चरल कोर इसका बंगाल है, और पेरीफेरी हमने देख ही लिया, पेरीफेरी में आप त्रिपुरा रट लेना, बाकी तो आपको पता ही होगा कि असम बिहार झारखंड बगल बगल में ये सब। तेलुगु थर्ड मोस्ट स्पोकन है, इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, पता नहीं क्यों भाई, पूर्व की इतालवी क्यों कहते हैं। लिंग्विस्टिक कोर आंध्रा में है, पेरीफेरी अगल बगल में है। देन मराठी, मराठी इज़ द फोर्थ मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन, बराबर। मुलगा मुलगी, मुलगा मतलब लड़का होता है, मुलगी मतलब लड़की होती है, एक दून दिस इज मराठी। कन्नड़ा इज़ वंदु एरडू मूरू, तो ठीक है फाइन, उनको रटाने नहीं है। लिंग्विस्टिक कोर इसकी महाराष्ट्र है, पेरीफेरी अगल बगल में है। मराठी के साथ जो जुड़ी हुई लैंग्वेज है, दैट इज़ कोंकनी, कोंकनी इज़ ऑफ शूट ऑफ मराठी, और कोंकण कोस्टल एरिया एंड गोवा में बोली जाती है। तमिल लैंग्वेज इज द फिफ्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, बेस्ट रिप्रेजेंट करती है ये ओल्ड द्रविड़ियन स्क्रिप्ट को, तमिलियन है वो, कहते भी हैं कि हमारी कल्चर ही महान है इंडिया में। रिच एंशंट लिटरेचर है, संगम लिटरेचर तमिलनाडु से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक कोर तमिलनाडु है, पेरीफेरी अगल बगल में लाई करता है। देन इसी तरह दो दो पॉइंट आपके, तीन तीन पॉइंट गुजराती के लिए भी हैं, गुजराती गुजरात से निकली, इन्फ्लुएंस इसका महाराष्ट्र राजस्थान में है। मारवाड़ी और गुजराती हम लोग जब वर्ड यूज़ करते हैं तो एक साथ ही यूज़ करते हैं कि दीज पीपल आर मारवाड़ी बिजनेसमैन या गुजराती बिजनेसमैन, तो वो लोग गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं। कन्नड़ा का लिंग्विस्टिक कोर कर्नाटका में है, और एक्सटेंशन इन तमिलनाडु, अगल बगल के जो स्टेट्स हैं वहाँ है। मलयालम जो द्रविड़ियन लैंग्वेज है, सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज मलयालम है, मलयालम
लिंग्विस्टिक और केरला में है। देन उड़ीसा, उड़ीसा का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है ओल्ड अपभ्रंश लैंग्वेज होने की वजह से, और इसने अपने आप को संस्कृत से इनरिच किया है। असमी का डिस्टिंक्टिव प्रोनंसिएशन और ग्रामर है, बट आइडेंटिकल ऑफन इंक्लूडेड इन बंगाल असमी ग्रुप। इसके बाद तो खैर टॉपिक खत्म हो। एक बार ये फिगर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो यहाँ क्या क्या ये उर्दू फारसी लिखी हुई है। दिस इज़ 200 से ज़्यादा लैंग्वेज लॉस हो गई है, 15 मेन लैंग्वेज, 90% से ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो ये मुझे जो फैक्ट उसमें अच्छे लगे वो मैंने लिख दिए, ठीक है। इसमें बस आप एक कोर पेरीफेरी बुला लेना, 22nd शेड्यूल एंड इंग्लिश, ये इसकी बात आप कर सकते हो। उर्दू का कोई रीजनल बेस नहीं है, मदर टंग ऑफ 8% है। देन फैमिली हमने देखी ली, इंडो यूरोपियन, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, निषाद, निषाद में मुंडा, संथाली, मॉनखेमर, खासी और निकोबारी। देन सैनो फैमिली, सिनो तिब्बतियन फैमिली, उसमें तिब्बतो हिमालयन, वेस्टर्न हिमालय में, नॉर्थ असमी, अरुणाचली, ये जो सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर एक्चुअली, आई थिंक ये जो चीज़ है ना सेम लिखी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये दिस वन इज सेम और ये यूजलेस है। तो साइनो तिब्बत इसका दूसरा रीज़न था एक्चुअली, ये मैंने नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाया था उसकी वजह से लिखी हुई है ये, ठीक। तो साइनो तिब्बतन हो गई, देन तिब्बती हिमालयस, जैसे कि मैंने आपको बताया था तिब्बतो हिमालयन वेस्टर्न हिमालय में है, नॉर्थ असमी अरुणाचली। इसको ए बी क्यों लिखा हुआ, क्योंकि मैप में जो मैंने आपको कहा था ना कि एक लाइन खींच लेना, तो ये लाइन आप ऐसे खींच लेना असम और अरुणाचल के बीच में ये वाली लाइन, तो इसके ऊपर ए है नॉर्थ असमी एंड अरुणाचली और नीचे बी है असमी और म्यांमारी। तो यू कैन सी, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट की जो, इफ़ यू वॉन्ट टू सी कि नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, तो मेन जो माउंटेन्स हैं वो रट लो, लाइक यू कैन सी डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, यहीं पर माउंटेन रेंजन, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, अपटानी याद कर लेना, अपटानी एक मेजर लैंग्वेज है, अपटानी हालांकि माउंटेन भी है, ठीक। मोनपा, देखो इसमें मैंने ट्राइब्स भी याद की हुई हैं इस मैप में, और लैंग्वेज भी याद की हुई, जहाँ जहाँ ये टिक लगा हुआ है ना रेड कलर का, आप भी कोई ऐसे सिंबल बना लेना, ये ट्राइब का नाम है, टिक का मतलब दैट इज़ लैंग्वेज। सो यहाँ पर भूटिया लेपचा ट्राइब भी है, लैंग्वेज भी है। यहाँ पर नेपाली रेड कलर से, ये लैंग्वेज है नेपाली। बोडो ट्राइब, बोडो लैंग्वेज बोलते हैं, बांग्ला यहाँ बोली जाती है। गारो खासी जयंती ट्राइब के भी नाम है, और अलॉन्ग विद दैट लैंग्वेज के भी नाम है। एक दिमशा लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। रंगमा माउंटेन भी है, ट्राइब भी है, लैंग्वेज भी है। देन एक जो एक तो लैंग्वेज आप रख सकते हो ना, कोक ब्रोक लैंग्वेज रख लो। त्रिपुरा में चकमा बोली जाती है, चकमा ट्राइब भी है, और त्रिपुरी बोली जाती है, और कोक ब्रोक लैंग्वेज बोली जाती है, बांग्ला बोली ही जाती है त्रिपुरा में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। देन मैती, कुकी, सेमा, ये ट्राइब्स के नाम है। देन अंगामी, आओ अंगामी, ये नागा के जो नागा ट्राइब्स हैं उनके सब टाइप्स है, आओ नागा और अंगामी नागा। देन वांचू, प्रोफेसर वांचू कमेटी लगातार न्यूज़ में रहती है, जाजा कमेटी ये बहुत न्यूज़ में रहती है, जाजा को हिंदी में खा खा कहते हैं। तो ये सारी भी ये भी ट्राइब्स भी हैं और लैंग्वेज भी है। जो रेड कलर है एक्सक्लूसिवली लैंग्वेज हैं, और इधर उधर मिक्स मत करना, बहुत ढूंढ ढाड़ के बहुत सर्च करके ये मैंने बनाया था। देन यहाँ पर मोनपा, मोनपा मोनेस्ट्री की वजह से भी न्यूज़ में रहता है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, तिब्बतो वर्मन ग्रुप में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सॉरी इसका कोई और पर्पज़ है, आई विल टेल यू लेटर जब आएगा। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं यू कैन डू, और भी जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक सेटलमेंट में भी दो तीन पॉइंट होते हैं, कि जो गारो खासी जयंतिया हिल स्लोप पर रहते हैं, स्प्रिंग्स के आसपास रहते हैं, वाटर बॉडीज़ के पास पास रहते हैं, आइसोलेटेड और सेमी आइसोलेटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। देन त्रिपुरा में लीनियर वैली या रोड के पास रहते हैं, इनफैक्ट इसमें भी मणिपुरी डांस मैथी ट्राइब करती है, आदि को अपूर बोलते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी हो तो ऐसे ही एग्जाम के लिए रेडीमेड नोट्स आप बना सकते हो। एंड यू कैन सी कि जैसे मैप हम लोग बनाते हैं तो हाउ परफेक्ट मैप्स आई एम मेकिंग, और बिलीव मी कि एग्ज़ाम में भी मैं ऐसे ही मैप बनाता हूँ। सी मैप की डायमेंशन मेरी इतनी परफेक्ट होती है एग्ज़ाम के टाइम पर, सपोज़ ये अगर एग्ज़ाम की कॉपी है तो इनफैक्ट आई एम मेकिंग मैप इन दिस रीज़न, और ये वाली जो डायमेंशन होती है मेरे लिए 9.5 सेंटीमीटर, ये वाली डायमेंशन होती है 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इंडिया का जो विड्थ है आई थिंक ये 2933 समथिंग है, और ये अराउंड 31 समथिंग है, तो इनका रेशियो इतना होता है। तो यू कैन सी ये सारे मैप हैंडमेड हैं, तो ये किस तरह से इंडिया का मैप बनता है अभी तो फिलहाल आई फॉरगॉट, तो इस तरह से बनाने होते हैं। आई विल टीच यू कि कैसे मैप बनाना है। यू कैन सी दीज ऑल थिंग्स इस तरह से,
इस तरह से बनाते हैं। ठीक ठीक है, तो आई विल टीच यू, ये सारा मैप बता दूंगा। यू कैन सी ये सारे मैप्स दोज ऑल आर हैंडमेड और यू कैन टेल कि सब एक जैसे ही बने हुए। तो आई विल ऑल्सो टीच कि आप कैसे बना सकते हो ये। इनफैक्ट जो ये चैप्टर है ना पॉपुलेशन सेटलमेंट और कल्चर 16 पेज में ख़त्म हो जाता है अगर आपने इस तरह से मैप बेस्ड स्टडी की हुई है पेपर टू के लिए। देखो लैंग्वेज जो मैंने कहा था आपको उतनी रटने की नीड नहीं है, वाई दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो जो ये मैप है ना इसमें जो बॉक्स में बने हुए मेन कल्चरल रीजंस हैं जो हमने यहाँ पढ़े थे, इसमें ये वाले जो ये मेजर लैंग्वेज हैं ये वाले, ये लिंग्विस्टिक रीजंस हैं, ये कश्मीरी हिंदी। ठीक, तो यहाँ पर ये मेन जो बॉक्स में मैंने किए हुए आपके लिंग्विस्टिक रीजन है और बाकी जो वहाँ के और स्पेशल लैंग्वेजेस हैं एक तो आपको रटने की नीड हो तो आप रट सकते हो। देखो आई विल शो यू कि आप आराम से लिख पाओ। दिस इज़ बाल्टी, कश्मीरी, लद्दाखी, लहंडा, पंजाबी के आसपास। तो ये पंजाब आप बना लेना, जे एंड के आपको बनाना है तो छोटा सा जे एंड के बना लेना इस तरह से और ट्राई करना कि इसको आप डॉट डॉट करके बना लो, पंजाब कुछ ऐसे बना लो चलेगा, कोई इशू नहीं है। देन कुमाऊनी, गढ़वाली, देन खड़ी बोली, आई टोल्ड यू। देन हिंदी हार्टलैंड, तो हिंदी हार्टलैंड वही ए अहमद साहब के जो मैप में से कुछ लैंग्वेज आप उठा सकते हो। मारवाड़ी यहाँ बोली जाती है राजस्थान में, ये खड़ी बोली है, ये बघेली है, बघेलखंड। देन यहाँ पर भील ट्राइब होती है तो भीली बोलते हैं। गुजरात कच्छेरिया में कच्छी बोली जाती है, गुजरात आपको बनाना तो ऐसे बना लिया करो फटाक से। ठीक है, महाराष्ट्र बनाना है तो ये महाराष्ट्र बना हुआ है, यहाँ मैप में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। कोंकणी गोवा के आसपास बोली जाती है मराठी, दिस इज़ गोंडी। देन उड़ीसा अगर आपको बनाना है तो उड़ीसा इज़ लाइक दिस समथिंग, ऐसे कुछ है, ये उड़ीसा बन गया, उड़िया है यहाँ संथाली। ठीक है, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बंगाली, असमी, ये सब लिंग्विस्टिक रीजन्स हैं जो बॉक्स में बने हुए हैं तो आप भी बना सकते हो। देन तेलुगु, यहाँ पर कन्नड़ा है, ये तुलु है, तुलु लैंग्वेज, कुर्गी बोली जाती है। देन मलयालम, लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है एंड तमिलनाडु में तमिलियन। तो बिलीव मी अगर आपने ये मैप बना लिया इसी को आप रटते रहो इसी में आपका अटैम्प्ट भी निकल जाएगा। तो देखो इस एक मैप से आई थिंक कितने क्वेश्चन आए होंगे, लेट अस सी कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर राइट शॉर्ट नोट ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट 2012 में आया हुआ है। देन इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो हमने वैनिशिंग एथनिक लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी की बात की तो उस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एसेट एज वेल एज चैलेंज इन इंडिया। तो आप इनके लिए कुछ पॉइंटर्स लिखने की कोशिश करो खुद से, वेल फॉर्मुलेटेड आंसर मत लिखो, ट्राई करो कि अच्छा ये इसलिए है, ये इसलिए है, इसलिए है, जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। कंटेंट मैंने आपको सफिशिएंट दे दिया है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दीज टू टॉपिक्स, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक रीजंस। अब जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उनके लिए जो लेवल 3 और लेवल 4 के जो लेक्चर्स होंगे उसको हम विद टाइम कवर करेंगे एंड बिलीव मी दोज विल बी वेरी एडवांस्ड लेक्चर्स, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी हम लेवल 3 और लेवल 4 में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, इफ़ यू लाइक देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स और टेस्ट सीरीज, इफ़ यू आर नॉट न्यू देन यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज, इफ़ यू आर न्यू वन देन यू कैन ज्वाइन दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासरूम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।